please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कहीं भी कभी भी किसी के भी साथ हो सकता है, होशियार रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज हम आपको वो सच दिखाने जा रहे हैं जिस पर अभी तक हवाओं की निगहबानी थी, यानी ऐसी बात जिसे सुना तो जा रहा था लेकिन उसका कोई सबूत नहीं मिल पा रहा था सिवाय एक शख्स के। लेकिन अब तो सीबीआई ने उस सच को मैं सबूत और सुराग सबके साथ सामने लाकर अदालत की मेज पर चार्जशीट के तौर पर रख दिया। यह सच है बाबा राम रहीम का और उनके इशारे पर चलाए जा रहे ऑपरेशन नपुंसक का। तेरा का डराने वाला है सच। सीबीआई की जांच ने डेरा सच्चा सौदा और गुरमीत राम रहीम के चेहरे को पूरी तरह से बेनकाब करके रख दिया है। सीबीआई का सनसनीखेज खुलासा, राम रहीम के दामन पर घिनौने इल्जाम। उन्होंने ऐसे ऑपरेशन किए हैं और ये बहुत घिनौने हैं, उसने किए हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं। तीन संगीन धाराओं में बनी चार्जशीट, डेरा में 1999 से चलता रहा ऑपरेशन नपुंसक। बाबा बलात्कारी ने और इनके जो डॉक्टर थे दो पंकज और जो पंचकुला में रहते हैं, और ये दो डॉक्टरों ने ये सारा काम खेल किया था। तफ्तीश में 400 की गिनती हुई पार, राम रहीम के काले गुनाह का काला चिट्ठा। नपुंसक बनाने की तफ्तीश का ये सनसनीखेज खुलासा यकीनन ये साफ कर देता है कि डेरा वाकई में पाप का डेरा बन चुका था। तिलिस्मी डेरा सच्चा सौदा और उसका फैशनेबल बाबा राम रहीम, साथ में उसकी लाडली हनीप्रीत। इन दोनों ने मिलकर इस डेरा सच्चा सौदा को अपनी अय्याशियों का अड्डा बना रखा था। ये बात तो करीब करीब हर कोई कहता मिल जाता है, क्योंकि गुफा के पर्दों के पीछे से लेकर सिल्वर स्क्रीन के सुनहरे पर्दे तक दोनों की केमिस्ट्री का राज अब राज नहीं रह गया, बल्कि कहा जा सकता है कि इन दोनों ने मिलकर दोनों हाथों से डेरा सच्चा सौदा की आस्था को सरेआम नीलाम किया है। लेकिन डेरा के भीतर क्या क्या गुल खिलते थे, सीबीआई की मोटी मोटी फाइलों से जिस सच ने झांका है उसे सुनकर वाकई डर ही लगता है। डेरा के साधुओं पर अत्याचार, साधुओं को बनाया जाता था नपुंसक, कई लोगों को धोखे से बनाया गया नपुंसक, डॉक्टर महेंद्र इंसान बनाता था साधुओं को नपुंसक। लेकिन सीबीआई की अदालत में जो चार्जशीट सामने आई है उसमें मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर गुरमीत राम रहीम का ही नाम दर्ज है। तफ्तीश में सीबीआई ने राम रहीम के साथ साथ डेरा के दो डॉक्टर पर आपराधिक साजिश यानी दफा 120B, खतरनाक हथियारों से किसी को गहरी चोट पहुंचाना यानी दफा 326, किसी को जानबूझकर धोखा देना यानी दफा 416, और किसी अपराध के लिए धमकाना यानी दफा 506 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ डेरा सच्चा सौदा में 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाने के मामले की चार्जशीट लगी है। वैसे पहले नशा वगैरह गोलियों वगैरह दी है, उसमें बाद में पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ जी, एक दिन बाद में पता चला, जब नशा उतर जाता फिर पता चलता है। खुलासा यही है कि राम रहीम नपुंसक बन चुके साधुओं से पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा लेता था ताकि नपुंसक साधु की तमाम संपत्ति
जमीन जायदाद पर न सिर्फ डेरा का कब्जा हो सके बल्कि उस संपत्ति को खरीदने बेचने के अधिकार भी डेरा के हाथ में आ गए। चार्जशीट में खुलासा हुआ कि कुछ साधु ऐसे भी हैं जिन्हें उनकी मर्जी के बिना नपुंसक बना दिया गया, और उसी में दर्ज इबारत पर यकीन किया जाए तो साधुओं के ज्यादातर ऑपरेशन राजस्थान के श्रीगंगानगर में राम रहीम के पैतृक गांव गुरुसर मोडिया के शाह सतनाम जी जनरल अस्पताल में किए जाते थे। पहले दो बलात्कार के मामलों में 20 साल की कैद बामशक्कत और अब नपुंसक बनाने की तफ्तीश का ये सनसनीखेज खुलासा यकीनन ये साफ कर देता है कि डेरा वाकई में पाप का डेरा बन चुका था, जहां पर हर वो काम हो रहा था जिसका करना ऐसी जगहों पर वर्जित माना जाता है। और इस खुलासे से ये भी साफ हो जाता है कि गुरमीत राम रहीम और उससे हमदर्दी रखने वालों के दिन अब अच्छे कभी नहीं आने वाले। अभी तक आपके सामने सिर्फ एक ही शख्स आया था जिसने डेरा में हुए ऑपरेशन नपुंसक को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अब राम रहीम का पुराना वफादार खट्टा सिंह भी पहली बार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आकर अपने सच को हमसे साझा कर रहा है, जो सीधे तौर पर सीबीआई की तफ्तीश पर मुहर ही लगाता है। सुनिए खट्टा सिंह ने क्या क्या कहा। अभी तक डेरा के डरावने सच को उजागर करने वाला यही चेहरा जमाने के सामने आया था, जिसने अपने साथ साथ राम रहीम की खौफनाक सच्चाई को जमाने के सामने जाहिर कर दिया था। लेकिन अब इस चेहरे का एक और साथी सामने आया है, वो भी पहली बार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर आकर उसने जो कुछ कहा वो इससे पहले बस सुनी सुनाई बातें ही मानी जाती थी। वो चेहरा कभी राम रहीम का सबसे नजदीकी माना जाता था, वो राम रहीम और हनीप्रीत का सबसे भरोसे का शख्स था, वो है खट्टा सिंह। खट्टा सिंह पहली बार सामने आया है ये बताने कि कैसे उसके साथ डेरा में राम रहीम और उनके भरोसे के लोगों ने उसके साथ नाइंसाफी की। खट्टा सिंह राम रहीम का ड्राइवर रह चुका है, लेकिन 1999 में खट्टा सिंह को भी डेरा के दूसरे नौजवान साधुओं की तरह ऑपरेशन नपुंसक का शिकार बना दिया गया। खट्टा सिंह ने पहली बार न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर माना कि कैसे वो शिकार बना और अब वो कैसे सामने आकर बाबा राम रहीम के खिलाफ अदालत को सच बताना चाहता है। पूरा काला चिट्ठा सामने आया है, किस तरह से होता था ये? बहुत साजिश नाल कीता गया, उसने बकायदा पहले किसी को बताना ना भी कैसे आपका क्या कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं, उनको इंजेक्शन वगैरह कोई गोली वगैरह नशे की दे के, और उसके बाद फिर बाबे ने आपके पास बिठा के उसको थापियां वगैरह देता, बड़ा बेटा तू मेरा शेर है, मेरा बहुत है, आपकी कुलें तर जाएंगी, और ऐसे अंधे होके बंदों को बढ़ा के पलसा के उन्होंने ऐसे ऑपरेशन किए हैं, और ये बहुत घिनौने हैं उसने किए हैं, लोगों की जिंदगियां बर्बाद करती हैं, 18-18, 15-15 साल के बच्चे भी है इसमें, वो ही है उनकी बहुत ज़्यादा इसमें उसने नुकसान किया लोगों का, उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलनी चाहिए। आपके साथ आप ड्राइवर हैं, आपके साथ भी ये हुआ, हालांकि एक तरह से राज था आपके सीने में दफन रहा, आपको तो एक करीबी रिश्ता उनके साथ रहा, लेकिन क्यों किया आपके साथ? से पहले नशा वगैरह गोलियों वालियाँ दी है, उसमें बाद में पता ही नहीं चला क्या हुआ कैसे हुआ। हाँ जी, एक दिन बाद में पता चला, जब नशा उतर जाता है फिर पता चलता है। आपने अभी तक नहीं कैमरे के सामने बात कही थी, लेकिन अब क्या लगता है कि दिल में जो राज था और इतना गुस्सा है, और कभी आपने पूछा नहीं बाबा? पूछना क्या, उसको पूछते जब मरवा देता, या किसी से जब सोचते भी पूछेंगे तो उससे पहले उसने डेरे से निकाल दिए, जब पूछते तो घर को किसी को बर्बाद कर देता या किसी को किसी से मरवा देता, इससे तो अंदर जहर पीना अंदर ही अंदर सोचा भी, जब कुछ जांच होगी जब आएगा उस टाइम कोई सोचेंगे। इन सारी बातों को सुनकर हो सकता है आपके मन में ये बात उठ रही हो, आखिर ये पूरा सच है क्या, इसकी शुरुआत कहां से, कब से और कैसे हुई, तो चलिए हम आपको इसकी कड़ी दर कड़ी बहुत सारी बातें बताते हैं कि क्या असल में ये मामला है क्या, और क्यों अदालत को आखिर कहना पड़ा कि सच का सचमुच पता लगाना बेहद जरूरी है।
ऐसे बाप हैं जो दुश्मनों के लिए अकेले ही काफी हैं। डेरा में चलती थी नपुंसक बनाने की फैक्ट्री। न्यूज 18 इंडिया पर सबसे बड़ा खुलासा। भगवान से मिलाने की आड़ में बनाया जाता था नपुंसक। डेरा के अस्पतालों में बना दिया 500 साधुओं को नपुंसक। साधुओं को नपुंसक बनाने का यह ऐसा मामला है जिसे अभी तक बस जुबानी जमा खर्च से ज्यादा कुछ नहीं समझा जा रहा था, लेकिन अब इसके सबूत और गवाह दोनों ही सीबीआई की चार्जशीट का हिस्सा बन चुके हैं और वो चार्जशीट न्यूज 18 इंडिया के पास मौजूद है, जिसमें डेरा का वो खौफनाक सच कैद है जिसने गुरमीत राम रहीम को साधु से शैतान बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। उन्होंने जब ऑपरेशन किया ऐसे जानवरों का, जैसे हम कुत्ते बिल्ली का भी ऑपरेशन करते हैं, उसको भी कोई मेडिकल वगैरह कोई सुविधा करते हैं, पर इन्होंने कैसे किया, एक जगह नीचे फर्श पे लिटा लिटा के उनका ऑपरेशन करके, उनको कोई मेडिकल सुविधा नहीं कुछ नहीं है करके और कमरे में डाल दिया। आखिर ये पूरा मामला है क्या? एक पूर्व साधु ने खुलासा किया था कि डेरा में 400 से ज्यादा साधुओं को नपुंसक बनाया गया है। हंसराज चौहान ने पहली दफा सामने आकर दावा किया कि उसे डेरा के अस्पताल में कैसे नपुंसक बनाया गया। खुलासा यही है कि डेरा प्रमुख के आदेश पर करीब 400 साधुओं को भगवान के दर्शन के नाम पर नपुंसक बनाया गया है। हंसराज ने इस मामले की जांच के लिए हाईकोर्ट में जुलाई 2012 में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट के आदेश पर हंसराज का मेडिकल भी हो चुका है जिसमें नपुंसक बनाए जाने की पुष्टि हो चुकी है। सरकार की रिपोर्ट के मुताबिक डेरा में नपुंसक बनाए गए लोग अपनी मर्जी से नपुंसक बने, लेकिन अदालत ने कहा कि ये रिपोर्ट गले नहीं उतरती। लिहाजा 23 दिसंबर 2014 को जस्टिस के कानन ने फैसला सुनाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी। सीबीआई ने जांच के बाद इस मामले में डेरा प्रमुख को नामजद कर एफआईआर दर्ज की, लेकिन मुश्किल ये थी कि राम रहीम के डर से हंसराज के अलावा कोई साधु सीबीआई के सामने नहीं आया। लेकिन राम रहीम के जेल जाने के बाद साधुओं के मन से डर कम हुआ है और वो जांच में शामिल होने के लिए आ गया है, जिनके नाम उजागर नहीं किए गए हैं। सीबीआई ने 15 और 16 दिसंबर को राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह और कुछ पूर्व साधुओं के साथ डेरा के सिरसा मुख्यालय में रेड की तो कई अहम सुराग हाथ लगे। जो पूछते तो घर को किसी को बर्बाद कर देता या किसी से मरवा देता। इससे तो अंदर जहर पीना अंदर ही अंदर सोचा भी, जब कुछ जांच होगी जब आएगा उस टाइम कोई सोचेंगे। ये 400 साधुओं ने गुरमीत राम रहीम के कहने पर अपने आप को जो है कास्ट्रेशन अपनी करवाई, अपने टेस्टिकल्स कटवाए, ये कह के गुरमीत राम ने उनसे ये काम करवाया कि अगर आप ये काम करवाओगे तो आपको जो मेरे थ्रू भगवान की प्राप्ति होगी। 25 अक्टूबर 2017 को इस मामले को लेकर अहम सुनवाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में हुई थी। हाई कोर्ट का रवैया सख्त था और सीबीआई के सामने इस मामले में चार्जशीट फाइल करने की चुनौती थी। हाई कोर्ट इस केस को सुपरवाइज कर रही थी और 3-3 महीने बाद रिपोर्ट आती थी, तो अब उन्होंने आज आके ये बताया जी कि हम जो है इसकी चार्जशीट हम आज फाइल करने जा रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम जब तक खुलेआम घूम रहा था तब तक मजाल है कि कोई सामने आकर अपना सच बता पाता, लेकिन राम रहीम और फिर उसके बाद हनीप्रीत के जेल जाते ही कई पीड़ित सामने आ गए। अब नपुंसक बनाए गए साधुओं को भी उम्मीद बंधी है कि अब उन सबको इंसाफ मिल पाएगा। अब तक की तफ्तीश तो गिनती को 400 साधुओं के आसपास ही पहुंचा पा रही है, लेकिन खुद राम रहीम का दावा हुआ करता था कि उसके फॉलोअर पूरी दुनिया में फैले हैं जिनकी गिनती लाखों में है। तो क्या वाकई जिन्हें उसने डॉक्टर कैंची के हवाले कर दिया वो महज इतने ही हैं या फिर ये गिनती और भी बढ़ सकती है? बस अब सीबीआई इसी कड़ी की तलाश में लगी है।